हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जब आप डिमलिफ टेम्पलेट यूज करते हैं तो उसमें डॉलर साइन और स्टार साइन आप कहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप डॉलर साइन यहां पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप डॉलर साइन जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएं तो यहां पर दो तरीका से बन सकता है, आप डॉलर साइन से या फिर स्टार साइन, दोनों साइन लगा के आप जो है सो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है इसमें कि आप डॉलर साइन लगा के बनाते हैं तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, अगर कोई पैरामीटर के साथ अगर उसे यूज करते हैं तो, वो हम नीचे बताएंगे आपको। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट अगर आप कोई बनाते हैं तो डॉलर साइन से ही बना सकते हैं और स्टार साइन से भी। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पैरामीटर पास किए हैं तो इसमें क्या है, डॉलर यूज है। ठीक है, हमने डॉलर यूज किया दोनों में। यहाँ चाहे तो आप, सॉरी, स्टार हमने यूज किया, यहाँ पर आप डॉलर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डॉलर सिंटेक्स है तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने डॉलर तब यूज किया है जबकि हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हम लोग क्या किए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिए डॉलर के थ्रू और पैरामीटर को पास कर दिए। तो ये कंडीशन आपका ट्रू होगा एक ही कंडीशन में, या तो आपने ऑब्जेक्ट बनाया विथ डॉलर तब आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं डॉलर के साथ, या आप डायरेक्ट जो है डॉलर के साथ पैरामीटर डायरेक्ट पास कर सकते हैं। ये हो गया। आप मिक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, डॉलर के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और स्टार के साथ एक पैरामीटर पास कर दिया, दूसरा जो है सो पैरामीटर पास कर दिया हमने डॉलर के साथ। ठीक है, बट आप जब भी आप यहाँ पर जैसे कि सेकेंड वाला जो है यहाँ पे डॉलर के साथ विथ ऑब्जेक्ट विथ पैरामीटर हमने पास किया, अगर यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के साथ अगर स्टार पास करते हैं, स्टार यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे आप स्टार यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में जबकि आप ऑब्जेक्ट विथ पैरामीटर यूज करेंगे। यहाँ देख सकते हैं नीचे, वेन यू डू नॉट सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, जब आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करते हैं, बट यूज द स्ट्रिक्ट, बट आप स्टार यूज करते हैं सिंटेक्स में, इन विच केस, उस केस में डॉलर और स्टार दोनों सेम काम करता। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं डॉलर के साथ हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पास किया और पैरामीटर को, बट हमने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट को हमने नहीं बनाया। ठीक है, क्योंकि आप अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टार के साथ तो जो है सो वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्टार के साथ हमने बनाया, यहाँ पर देख सकते हैं डॉलर के साथ ऑब्जेक्ट बनाया और उसके साथ हमने पैरामीटर पास किया, तो ये दोनों सेम काम करते हैं सभी के सभी, डॉलर और स्टार साइन। चलिए एक देख लेते हैं, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल है डिमलिफ का। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो है सो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके साथ डॉलर साइन है और यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं उसके साथ, एक के साथ डॉलर हमने किया और एक के साथ यहाँ पे स्टार और डॉलर किया। फुल नेम के साथ स्टार है और जब हमने सेकेंड में किया ईमेल के साथ तो वहाँ पर पैरामीटर भी हमने पास किया। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट अगर नहीं बनाते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं, तो ईमेल के साथ जैसे आपने यहाँ पर पैरामीटर पास किया तो यहाँ पर डॉलर और स्टार दोनों यूज कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं तो। लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मस्ट है कि जब भी आप पैरामीटर के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो वहाँ पर डॉलर ही यूज कर पाएंगे, अदरवाइज जो स्टार यूज करने पर एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मिक्स यूज किया डॉलर के साथ भी और पैरामीटर के साथ भी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम चलते हैं कि डिमलिफ का हमारे पास एक छोटा एक एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट, उसके साथ हमने डॉलर यूज किया है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं
रोल के साथ स्टार है और नेम के साथ स्टार है। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर हम स्टार यूज करें, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ, फिर भी ये रन करेगा सक्सेसफुल। लेकिन हम चाह तो फिर से हम डॉलर कर देते हैं, ठीक है, डॉलर। तो अगर हम यहाँ चाहते हैं कि हम इसको डॉलर कर दें, फिर भी ये रन करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे चाहते हैं कि हम इस कंडीशन में स्टूडेंट डॉट रोल कर देते हैं, स्टूडेंट डॉट नेम कर देते हैं, फिर भी ये रन करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम स्टार करते हैं और यहाँ पर भी अगर हम स्टार यूज करते हैं, तो इस कंडीशन में रन नहीं करेगा, ठीक है, ईरर देगा। तो आप समझ गए कि जब भी अगर ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे किसी पैरामीटर के साथ, तो वहाँ पे डॉलर होना मस्ट है, ठीक है, अदरवाइज वो ईरर देगा। यहाँ पर अभी सभी जगह स्टार है, फिर भी रन करेगा। एक बार हम आपको रन करा कर दिखा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डॉलर कर देते हैं, सॉरी इंसर्ट पेज है, हम डिस्प्ले पे चलते हैं ताकि आपको समझ में आए। डिस्प्ले पेज इसका है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार है, डॉलर है, सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम स्टार कर देते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं, इसको हम रिलॉन्च करते हैं। फिर भी आप देख सकते हैं रिकॉर्ड जो है सो डिस्प्ले सक्सेसफुल कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर डॉलर के साथ, यहाँ पर अगर हम डॉलर करते हैं, ठीक है, रोल और नेम के साथ हमने डॉलर कर दिया, तो इस कंडीशन में देखिए आप क्या करेगा ये। इस कंडीशन में भी आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट को हम लोग अलग एक वेरिएबल में स्टोर कराए थे और उसके बाद हमने यूज किया, इसीलिए हम इसे यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि इंसर्ट पेज में था, ठीक है। जैसे कि इंसर्ट पेज में जैसे स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट को हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं यूज, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि डॉलर साइन हम लोग कहाँ यूज करेंगे और स्टार साइन कहाँ यूज करेंगे। सभी जगह हम लोग कर सकते हैं, मिक्स यूज कर सकते हैं डॉलर विथ स्टार, बट एक ही कंडीशन है कि अगर जिस नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिस कंडीशन के थ्रू, ठीक है, स्टार या फिर डॉलर लगा के, तो स्टार वाले को आप जो है सो किसी पैरामीटर के साथ यूज नहीं कर सकते हैं और डॉलर के साथ यूज कर सकते हैं, बस एक ही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।